हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। एक मैच चल रहा है, बेहतरीन मैच खो खो का, जिसका मैं कवर अप कर। फाइनल है, सेम फाइनल है, फाइनल है। किस किसका है? चल वो आगे। किस किसका है? मोदा वर्सेस बड़गाम। मोदा वर्सेस बड़गाम का यहाँ फाइनल चलता हुआ। अरे फाउल, आई थिंक चेज पे है मोतिदा और बड़गांव यहाँ पे रन अप पे है, रन कर रही है। चेज पे कौन है? मोतिदा बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ गाइस यहाँ पे, आराम से बेटा। मोदा वर्सेस बड़गांव का दोनों टीम फाइनलिस्ट है। और फाउल 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 और टच। तीन और लड़कियां यहाँ पे आती हुई बड़गांव की। स्पीड देगी गाइस, स्पीड देगी आप, बेहतरीन। और क्या यहाँ पे ड्राइव मारी है उसने, गिर गई बच्ची, लेकिन फिर भी मानना होगा इनकी। बेहतरीन अंपायरिंग के साथ। और ये दर्शक, और ये टच करते हुए यहाँ पे, बेहतरीन मैच चलता हुआ यहाँ पे, शानदार। ये और ये अंपायर, सीनियर अंपायर हैं दोनों के दोनों, बेहतरीन अंपायरिंग करते हुए यहाँ पे। खो दिया, खो दिया। और ये और ये फाउल हो गए थे वहां पे, गलत डायरेक्शन से खो दिया उसने। खो खो का ये गेम लड़कियों के बीच में राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में होता हुआ। और एक और बेहतरीन आउट कर दिया यहाँ पे चेजर के द्वारा, चेज मोदा टीम। छोटी सी कितनी यंग बच्ची है ये, और ये क्या पेस है इसकी, देख सकते हो आप। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन यहाँ पे दिखाते हुए ये बालिकाएं। और ये खो दिया और ये आउट, तीन लड़कियां। और ये क्या देखते हैं जी, नहीं, बेहतरीन खेल चलता हुआ दो टीमों के बीच में। फाइनल का ये मुकाबला, जो टीम यहाँ जीतेगी वो जाएगी यहाँ से उदयपुर पे। और ये डायरेक्शन, डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा टीमों खिलाड़ियों को। और तीनों लड़कियां ग्राउंड पे है बड़गांव की, मोतिया टीम की गर्ल्स काफ़ी युवा यहाँ पे है। दोनों टीमों की खिलाड़ियाँ युवा है, लेकिन एज का डिफरेंस दिखता है कि मोदा की टीम जी नहीं। फाउल फाउल फाउल, बेहतरीन अंपायरिंग के साथ यहाँ प्रदर्शन करते हुए। और क्या टच कर पाएगी, क्या टच कर पाएगी जी, आउट, आउट कर दिया यहाँ पे। टच नहीं हुआ, खेल का प्रदर्शन बेहतरीन। और ये टच कर दिया, क्या बात है, ये देख सकते हो आप, दर्शकों का मनोरंजन होता हुआ यहाँ पे। बेहतरीन गेम, खो खो फाइनल ब्लॉक लेवल यहाँ पे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में, बेहतरीन खेल।
और ये मेहनत देख के और ये आउट। नहीं, फाउल था। और ये बेहतरीन फाउल। और ये पहला यहाँ पे पहली इनिंग खत्म होती हुई चेजिंग पे थी मोतिदा। देखना होगा क्या स्कोर रहता है यहाँ पे। तो भाई स्कोर हो चुका है और 11 पॉइंट किए। देखना होगा जो फर्स्ट इनिंग वापस स्टार्ट होती है उसमें सेकंड इनिंग में क्या करते हैं ये। बाकी दर्शक बहुत 11 प्लेयर्स को आउट किया है मोतिदा की टीम ने, 11 प्लेयर्स को। और बड़गांव 11 प्लेयर आउट। सर कौन मैच जीतेगा देखे वो पता चलेगा। ये सीनियर प्लेयर है नंदू सिंह जी और अभी चेज पे आएगी बड़गांव की टीम। तो यहाँ सेकंड इनिंग स्टार्ट होती हुई देखना होगा। और ये चेज पे आती हुई यहाँ बड़गांव की टीम देखने होगा क्या 11 प्लेयर्स को आउट कर पाएगी यहाँ पे। अगर कर पाती है तो कौन सी टीम बढ़त हासिल करेगी यहाँ पे। और मोतिदा की टीम खो में हल्का सा स्लो यहाँ पे खो देने में। और ये छोटी सी बच्ची क्या बात है, खो देना होगा, अच्छे से खो देना होगा, खो बोलना होगा देख के। मोतिदा की टीम टाइम जाता हुआ सेकंड इनिंग चल रही है ये। बेहतरीन रिटर्न देखिए आप इस बच्ची का, बहुत शानदार खेल दिखा रही है ये। हल्के कदमों से भागती हुई जंप के साथ और देखना होगा क्या बात है। इस बच्ची की रनिंग देखिए आप, स्टेमिना देखिए, आउट भी नहीं हो रही है, आउट भी नहीं हो पा रही है। मोतिदा वर्सेस बड़गांव, और ये आउट आउट आउट, पहली आउट होती हुई यहाँ पे। अभी तक एक प्लेयर को आउट किया, एक प्लेयर को आउट किया। गलत खो यहाँ पे। अंपायरों की दौड़ चलती हुई साथ में, बेहतरीन अंपायरिंग के साथ प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे कैलाश जी अंपायर पे और ये सुरेश जी अंपायरिंग, बेहतरीन अंपायर दोनों। बहुत शानदार गेम होता हुआ यहाँ पे। छोटी सी बच्ची देखिए गाइज आप, छोटी सी बच्ची है बिल्कुल, ये आई थिंक 4th-5th स्टैंडर्ड की होगी, लेकिन स्टेमिना देखिए आप बच्ची का और खेल का तरीका निश्चित रूप से बेहतरीन खेल, बहुत शानदार। ये बच्ची ने थका दिया पूरी टीम को यहाँ पे, कोई भी मौका नहीं दे रही है। अच्छा प्रयास है पकड़ने का लेकिन बच्ची हाथ भी नहीं आ रही है। बेहतरीन प्रदर्शन बच्ची का, छोटी सी बच्ची का।
कवर की बेहतरीन प्रदर्शन छोटे छोटे बच्चे अमोल दागी यहाँ पे एक बच्ची सिर्फ आउट हुई है सिर्फ एक बेहतरीन फाइनल चलता हुआ यहाँ पे ग्राउंड पे हाँ थकेगा तो तेरे पास ही बात तैयार है बोल पे मत पास बोल पे मत पास इनके कोच को तो सलाम करना होगा इनके दल प्रभारी को सलाम करना होगा मोदा की टीम ने क्या प्रैक्टिस करवाई है यहाँ पे और ये बच्चियाँ बोल पे मत बोल से बात और ये गलत मूव कर दिया उसने जिस तरफ मूव हो जाता है उसी तरफ जाना होता है अन्यथा फाउल माना जाता है हाँ और ये बच्ची थक चुकी है देख सकते हो आप हाँ ये देखो इसको छोटी वाले बच्ची ने उसको रिप्लेस कर दिया ये खेल है ये गाइस खेल इसे कहते हैं खेल बच्चियों का प्रेजेंस ऑफ माइंड खेल बेहतरीन मौका भी नहीं मिल रहा है सामने वाली टीम को दो प्लेयर सिर्फ पूरी टीम को थका चुकी है एक प्लेयर आउट हुई ओनली और सारे प्रशासक यहाँ पे मोतीदा टीम की तारीफ करते हुए इस मेगा फाइनल में ब्लॉक लेवल का टूर्नामेंट टेक्निक टेम्परामेंट और ही आउट क्या आउट देंगे क्या आउट देंगे जी नहीं गलत मूव जिसकी वजह से पूरा ध्यान रखते हो दोनों अंपायर बेहतरीन अंपायरिंग का प्रदर्शन करते हुए कैलाश जी सुरेश जी और ये देखना होगा जी नहीं खो देना होगा खो देना होगा खो देना होगा जी नहीं टच नहीं हुआ टच नहीं हुआ हो नहीं हुआ आई थिंक सही से और ये देखना हो क्या आउट होगी जी हाँ ये आउट होकर थक गई थी बच्ची और सेकेंड इनिंग कंप्लीट आई थिंक दो पहले इनिंग में 11 पॉइंट की लीड थी और अभी 2 पॉइंट ही आउट कर पाई है तो 11-2 से आगे है दो इनिंग और बाकी है देखते हैं दो इनिंग में क्या होता है गाइस बने रहिए वीडियो में इनके पहले 11 पॉइंट बने 11 देखो गाइस बच्चा थक चुकी है और यहाँ ये बैठी है बड़गांव की बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रही है सभी के सभी बेहतरीन प्रदर्शन एक बालिका थक चुकी है उसने बहुत बेहतरीन खेल दिखाया सर मजा आ गया सर बिल्कुल वीडियो जरूर देखना सर एक या दो पॉइंट मिला ओनली और ये बच्ची जो थक चुकी है बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही है बच्ची बहुत अच्छा इसका नाम होना चाहिए ज्यादा पानी नहीं पीना बेटा बहुत बढ़िया स्टेमिना बहुत शानदार इस बच्ची का और ये मैम इनके साथ है बिल्कुल बहुत बढ़िया मूव करती रहे बच्ची मूव करती रहे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मूव करती रहे चलो 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 बहुत बढ़िया ये बच्ची ने प्रदर्शन किया है जज्बा देखिए बच्चों का बहुत शानदार थर्ड इनिंग स्टार्ट होने वाली है गाइस और अभी चेज पे है मोतीदा जो बैठी हुई है ये देखते हैं टूर्नामेंट चल रहा है गाइस बहुत शानदार टूर्नामेंट चल रहा है सारे गेम बहुत शानदार हो रहे हैं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के और जो भी हो
सारे शिक्षा जगत और सारे के सारे जो भी विभाग इसमें कार्यरत है सबने बेहतरीन ही कार्य किया है और बेहतरीन अपना पूरा का पूरा सहयोग देते हुए टीमों के दल प्रभारी सभी दल प्रभारियों को मैं इस वीडियो से थैंक यू कहूँगा जो कि अपनी टीमें लेकर के आए हैं। ये सारे के सारे बच्चे हैं यहाँ पे देख यहाँ घूम रहे हैं। पता लग रहा है बच्चों में आनंद आ रहा है, मस्त लग रहा है। कौन सी पंचायत से सपोर्ट कर रहे हैं? राजसमंद। ये राजसमंद से आए हैं, उदयपुर मैच देखने आए हो क्या? बहुत बढ़िया, फर्स्ट थ्री आ चुकी है तो थर्ड इनिंग स्टार्ट होने जा रही है। अभी चेज पे मोतीदा है और डिफेंस जो रन कर रही है वो है बड़गांव, लेकिन मोतीदा ने बेहतरीन लीड ले रखी है मैच स्टार्ट करवाते हुए। स्कोरर रेडी है मैच स्टार्ट करने के लिए, अंपायर रेडी है और विसल के साथ शुरू करेंगे। शुरू स्टार्ट यहाँ पे बेहतरीन खेल और ये आउट कर पाएगी क्या? जी नहीं, मुंह गलत था उनके सब। और ये छोटी सी बच्ची देख सकते हो मोतीदा की, अच्छा खेल का प्रदर्शन करती हुई। और ये दोनों एक जगह हो गई। गलत को और ये आउट। पहले जी नहीं, फाउल हो गया यहाँ पर। बेहतरीन खेल चलता हुआ गाइस, फिर से बताता हूँ आपको, थर्ड इनिंग स्टार्ट है और स्कोर मैं बता दूंगा। और क्या देखना होगा, आउट कर पाएगी? और ये जी नहीं, डाइव लगाया था लेकिन और ये रिटर्न लिया उसने खिलाड़ी ने, जिसकी वजह से बच गई। माहौल देख सकते हो गाइस आप, माहौल बहुत शानदार हो रखा है यहाँ पे। कितना एक्टिव गेम है ये, कितना एक्टिव गेम है गाइस, बहुत स्टेमिना चाहिए। और ये आउट, और ये फाउल किया था यहाँ पे। अच्छा माहौल, और क्या टच किया इसने? जी नहीं, बेहतरीन फाइनल चलता हुआ है यहाँ पे। मैं फिर से बताता हूँ, बड़गांव मोतीदा का फाइनल चल रहा है, क्या आउट है? जी नहीं, फाउल किया था उसने, गलत खो दिया। ये एंड पे गाइस इस पे टच करके वापस किसी भी दिशा में जा सकते हैं। रूल्स रेगुलेशंस इतने हैं। अरे यार,
बच्ची फाइनली थक हार के आउट हो गई यहाँ पे। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया उसने। खेल में स्टेमिना की आवश्यकता होती है और स्टेमिना ही चाहिए, लेकिन ये खेल बहुत हार्ड खेल है, थक जाते हैं इसमें। फिर भी बच्चियां जद्दोजहद करती हुई यहाँ पे अपने क्षेत्र की टीम को जिताने के लिए, अपनी टीम को जिताने के लिए। और ये आउट, एक और आउट होती हुई यहाँ पे थर्ड इनिंग, और एक और आउट। फाइनल ये थ्री, तो फाइनल थ्री होते हैं, थ्री भेजते हैं, उसमें से एक और बची है। और ये आउट। अरे वाह वाह, डबो यार। और ये पहला यहाँ पे थर्ड इनिंग खत्म हो चुकी है। ये प्लेयर्स जो खेल रही है तीन इनिंग के बाद, इनकी हालत देख सकते हो, मतलब बहुत शानदार खेल रही है ये, अच्छा प्रदर्शन। ये विनोद जी सर हमारे बहुत ही निर्णायक दौर में रेफरी, मैच रेफरी सर हमारे सीनियर सर, तो 11 चेज किए और 7 ये पूरे के पूरे सारे कमेटी के। नेक्स्ट संग ये राम जी सर हमारे, तो थर्ड इनिंग में 7 प्लेयरों को आउट किया बड़गांव की मोदा ने, और पहले में 11 7 18 और 2 आउट हुई थी। तो अगर यहाँ पे बड़गांव का मैच जीतना है तो 17 पॉइंट लेने होंगे, इसमें 17 टच पॉइंट करने होंगे, तब जाके ये मैच जीत सकती है। और ये जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के मुख्य धारा हीरालाल जी सर, विजयलाल जी सर, जिला अध्यक्ष विजयलाल जी सर, जिनके सानिध्य में, हीरालाल जी सर के सानिध्य में, और पूरे शिक्षक संघ जो भी यहाँ पीटे संघ है जिनके सानिध्य में पूरा टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट। तो सर कुछ कहना चाहोगे आप इसके बारे में? राजीव गांधी ये जो ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता हो रही है ब्लॉक स्तर की, बहुत ही शानदार, और मुख्य बात यहाँ रही हमारे भिंडर ब्लॉक की कि निर्विवाद है, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में कोई विवाद नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं अपने पूरे साथी बंधुओं को, यहाँ के स्थानीय लोगों को और भिंडर ब्लॉक के समस्त सारे शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने बिल्कुल सटीक और निष्पक्ष निर्णय देते हुए इस प्रतियोगिता को अंतिम आयाम की ओर ले जा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे फिजिकल टीचर्स बंधुओं का, जिनके सानिध्य में पूरी टीम के द्वारा ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, विभिन्न खेल हो रहे हैं यहाँ पे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं YouTube के माध्यम से सभी को थैंक यू कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये यहाँ पे, और ये फोर्थ इनिंग स्टार्ट हो रही है, फाइनल इनिंग। 11-7 का स्कोर कर चुके हैं फर्स्ट सेकेंड में मोदा की टीम। देखना होगा मोदा की टीम यहाँ पे बड़गांव की टीम चेज पे आती हुई कितने प्लेयर को आउट करती है, 16 पॉइंट करती सर। यो चल रहा है सर अपना, ये 2 वीडियो तो कल डाले थे मैंने, बहुत ही और ये मौजूदा की टीम यहाँ पे रनिंग पे है, रन पे है, और बड़गांव की टीम चेज करती हुई फोर्थ इनिंग चल रही है, काफी ज्यादा लीड बना रखी है उन्होंने। स्टेमिना का पूरा खेल है, साथ में कुछ टेक्निक्स आती हुई। ये हमारे सीनियर सर, बहुत बहुत धन्यवाद इनके सानिध्य में पूरी ट्रॉफी हो रही है, पूरा टूर्नामेंट हो रहा है। सभी सीनियर बंधु, करीब 100 टीचर तो होंगे सर यहाँ पे, करीब 100 टीचर तो फिजिकल टीचर, तो अच्छा 50 समथिंग फिजिकल टीचर और साथ में टेक्नीशियन मिला के यहाँ पे 80-90 जनों को यहाँ पे टीचर्स वगैरह काम कर रहे हैं, जिनके सानिध्य में बहुत ही शांतिपूर्वक ये टूर्नामेंट हो रहा है। सभी सीनियर हैं, हमसे सबका आभार। और ये यहाँ पे क्रॉस फाउल, तो 7-7 मिनट की हर इनिंग रखी गई है,
सात मिनट के बाद में ब्रेक, पांच मिनट का ब्रेक दिया गया। फोर्थ इनिंग चल रही है, फाइनल इनिंग है। कुछ भी कहो गाइस, बच्चों का गेम देख के ना पूरी तरह से मतलब इतना अच्छा ये वर्क कर रही है फील्ड में, जो कि निश्चित रूप से आगे जाएगी। इनके अगर मिलता है प्रोत्साहन तो आगे जाकर के ये टीमें इंडिया पे भी अपना नाम रोशन करेगी। मौजूदा टीम की तो विशेषतः बेहतरीन स्टेमिना के साथ खेल रही है बच्चियाँ, बहुत शानदार प्रदर्शन यहाँ पे, अच्छी टेक्निकल यहाँ पे अपनी जो भी रणनीति है उसको अपना रही है। ये अंपायर हमारे बेहतरीन अंपायर हैं, ये बहुत शानदार अंपायरिंग करते हैं, मैनार के रहने वाले। नाम है सुरेश जी सर और कैलाश जी अंपायर, दोनों अंपायर बेहतरीन अंपायर हैं। है हमारे सुखपाल जी मैम जो कि स्कोरर कर रहे हैं फाइनल मैच में, काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैम को थैंक यू कहेंगे हम यूट्यूब के माध्यम से। और ये विनोद जी सर है जो रेफरी है, मैच रेफरी टेक्निकल और साथ में स्कोर काउंटर। तो गाइस 20 सेकंड बाकी है और स्कोर हो चुका है फोर्थ इनिंग में 7, 7 जनों को यहाँ पे जैसे आउट किया है, तो काफ़ी पीछे हैं और मैच समथिंग ख़त्म होने पे आ चुका है। और ये मैच ख़त्म, यहाँ पे माहौल देख सकते हो आप, बहुत शानदार। वीडियो यहीं एंड करते हैं गाइस, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये मैच मोदा ने जीत लिया है सभी का, बहुत देख सकते हो माहौल यहाँ पे बहुत बढ़िया और अच्छा खेली ये टीम, बहुत बढ़िया। तालियां हो जाए इन सभी बच्चों के लिए, बहुत बढ़िया खेला चैंपियन, इन्होंने बहुत अच्छा खेला। बड़गांव की टीम ने भी, बड़गांव की टीम के सभी सपोर्टर को, टीम को और उनके दल प्रभारी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये मोदा की टीम चेजर्स और यंग बच्चियाँ बहुत बढ़िया खेली, तुम बच्चों हाथ हिला दो, बहुत बढ़िया। और ये मैम इनके साथ दल प्रभारी दो अंगुली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी को बहुत बहुत थैंक यू और सभी प्रदर्शन किया। वीडियो एंड करते थे।